हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? तो आज है 15 अगस्त, सैटरडे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं आप लोग को सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस चैनल पे, बहुत आप हर वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करते हो। तो आई वॉन्टेड टू टेक दिस स्पेशल टाइम टू थैंक यू ऑल। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली जैसे हो, और ये मुझे बहुत टच करता है कि आप लोग मैं हर वीडियो पे कमेंट करते हो और मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना लाइक करते हो, और आप लोग मेरी एक फैमिली का पार्ट बने हो। इट्स वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस बात से। और मैं आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं आप लोगों के साथ, जैसे आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल रीडिंग करना चाहती हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए हम ये स्पेशल रीडिंग करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन। और आज क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, मैं आप लोग के साथ एक और खुशी शेयर करना चाहती हूँ। आज गाइस मेरा बर्थडे है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस रीडिंग ऑन माय बर्थडे फॉर यॉल एंड सेलिब्रेट माय बर्थडे विथ यॉल टुडे। तो चलिए हम जो है रीडिंग कर देते हैं आज की डीएम टू डीएफ। डीएम के लिए मैंने ये कार्ड निकाले हुए हैं, डीएफ के लिए मैं गिल्डेड टैरो यूज़ कर रही हूँ। चलिए हम आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा रीडिंग कर देते हैं आज के दिन पे। तो चलिए देखते हैं डीएम टू डीएफ क्या, डीएम के क्या कार्ड्स आते हैं और फिर डीएफ के क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है गाइस, और फिर हम जर्नी के लिए कार्ड्स निकालेंगे। आज मैं तीनों एक ही साथ करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कम कार्ड्स आए हुए हैं आज। लेकिन बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है हमेशा, जैसे आप लोगों को पता है। तो हम लोग के पास काफ़ी गाइडेंस और काफ़ी ये सब है। ओके, प्लस हम डीएम के कार्ड्स निकालने वाले हैं आज के, मतलब डीएफ के कार्ड्स निकालने वाले हैं। डीएम तो मुझे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज में लग रहा है आज के दिन पे। बट एक चीज़ अच्छी है कि वो मतलब लो वाइब्रेशंस में नहीं है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन या हमारे सबके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो लो वाइब्स पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन का क्या इश्यूज़ है यहाँ पे। मुझे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा बर्डेंड लग रहे हैं अपने लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवर्क कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि वो फ्राइटेंड है कि वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। उनको लैक ऑफ मनी के इश्यूज़ हो सकते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन को। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन फेमिनिन के लिए भी है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने अंदर बैलेंस स्ट्राइक करने वाले हैं आज के दिन पे। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा एंग्री थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कोई इशू पे, तो वो जो है ख़त्म होने वाला है, और वो जो है ये बर्डन जो है मेंटल बर्डन साइड में रख देंगे, और जो है आपको न्यू लाइट में देखेंगे। दैट इज़ केयरिंग, लविंग एंड जो है सैक्रिफाइसिंग पर्सन की तरह। वर्ल्ड कार्ड है, तो उनकी एक लाइफ की साइकिल ख़त्म होने वाली है। कहीं ना कहीं उनको नॉलेज मिलने वाली है, डाउनलोड्स मिलने वाले हैं यूनिवर्स से आज के दिन पे। अच्छी चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस रीडिंग को देख करके। सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं। डिवाइन मैस्कुलिन्स स्टैंडिंग अप इन देयर पावर एंड जो है बर्डन्स को देख रहे हैं वो एक जगह की, कहाँ छोड़ दे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा बर्डन्स जो उन्होंने अपने आप के ऊपर लिए हैं, और जो उनको आदत है अपने बर्डन्स मतलब जो है दूसरों मतलब सब जगह लेके कैरी करके घूमने की, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छोड़ने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं अब। और वो कहीं मतलब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाई दे रहे हैं मुझे। प्लस वो ऐसे भी हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन फुल पैशन में अपने लाइफ में आगे बढ़े और फुल स्पीड में आए आपके लाइफ में वापस। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ही एप्लीकेबल होगा।
कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाए, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। मुझे डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आज के दिन से फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहने वाले अपने लाइफ में आपके। लेकिन आप लोग जो हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को लोगे या नहीं लोगे, सीज करोगे या नहीं करोगे इज़ अ इशू अवर हियर, बिकॉज मुझे आप लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लोग अपने ही पावर में खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो, इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। डिवाइन फेमिनिन आपके इंट्यूटिव पावर्स जो है वो बढ़ने वाले हैं आज। विक्ट्री दिखाई दे रहा है मुझे डिवाइन फेमिनिन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत ज़्यादा रॉयल ग्रैंड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप लोग गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स तो मतलब आप पोजेसिव हो सकते हो आपके लाइफ में, जो भी लोग हैं आपके पास आपके साथ आप उनको लेके थोड़ा सा पोजेसिव हो सकते हो, ये एनर्जीज आ रहे हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए। चलिए देखते हैं कि डीएम डीएफ से आपकी जर्नी में क्या आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइटनिंग फास्ट स्पीड में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आ सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए ये वापस आया है कि फुल स्पीड में कोई आपके पास आ रहा है विथ ट्रुथ। तो फिर से चिल्ड्रन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे आपके जर्नी में, चाइल्डहुड इश्यूज बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके जर्नी में, और शायद वो हील होने वाले हैं। पैशन दिखाई दे रहा है मुझे, रिकन्सीलिएशन दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे मैंने कहा लाइटनिंग स्पीड में आएंगे आपके पर्सन आपके पास, ये मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ। तो कम्युनिकेशन आ सकता है आपके लाइफ में, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ आया है, तो मतलब कार्ड्स भी कह रहे हैं हनीमून, आपको अलग टाइम मिल सकता है आपके पर्सन के साथ, ये दो तीन दिन आ रहा है। फ्री योर सेल्फ एंड चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपसे कहा कि चाइल्डहुड इशू से अपने आप को फ्री कर लो, क्योंकि वही आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे ट्रिगर करते हो, और ये मंडे से चला आ रहा है और अभी तक चला ही आ रहा है ये आपके जर्नी में। ठीक है, तो रिकन्सिलिएशन होगा गाइस, डेफिनेटली होगा। जैसे होपफुल रहिए इसके बारे में, आपको अकेला टाइम मिलने वाला है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, वो भी वो फुल स्पीड में आने वाले हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। विक्ट्री होने वाली है आप लोगों की इस जर्नी पे। ठीक है, इसकी टाइटल ही मैं रखने वाली हूँ कि डीएम कमिंग टुवर्ड्स डीएफ इन विक्ट्री, या डीएफ की विक्ट्री ऐसा कुछ, या डीएम कमिंग इन फुल स्पीड ऐसा कुछ टाइटल रहने वाला है आप लोगों का। चलिए देखते हैं कि ट्विन फ्लेम मैसेजेस में से क्या मैसेजेस, यही मैं कार्ड आना चाहता था। आई एम डैमेज्ड लाइक आई जस्ट कांट डू दिस, कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अब इस सिचुएशन में बर्डन्स नहीं ले सकते। देखा आपने ये वापस आया है, एंड मे बी वी आर टू डिफरेंट, द इजियर टू स्टे अवे राइट नाउ एंड आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। तो ये पर्सन जो है बदल चुके हैं कम्प्लीटली, अगर ये आपके साथ पास्ट में ये मतलब एनर्जी में थे कि हम इट्स ईजियर फॉर मी टू स्टे राइट अवे राइट नाउ, अगर वो आपसे दूर रहते थे, अगर वो आपसे जो है झूठ बोलते थे कहीं ना कहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी डैमेज फील कर रहे हैं और वो ऐसा कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए वो फुल स्पीड में आपकी तरफ, आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो। देखिए ये आपसे डायरेक्टली कह रहे हैं कि आई एम मोर अफेक्टेड दैट यू नो, वो फील करते हैं आपके लिए, वो लव करते हैं आपसे गाइस, और आप जो है कहीं ना कहीं वो आपसे ये कह चुके हैं इट्स अवे बेटर वी आर डिफरेंट बहुत कुछ, लेकिन अब वो आपसे ये पहला कार्ड जो आया था वो था आई फील डैमेज्ड, मतलब वो डैमेज फील कर रहा है आपसे दूर। तो ये आपकी विक्ट्री हुई ना गाइस, मुझे डीएफ की विक्ट्री टाइटल रखना चाहिए कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन पे, क्योंकि आज विक्ट्री का दिन है और विक्ट्री का ही टॉप टाइटल होगा आज के दिन। अच्छी रीडिंग आई है गाइस, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, लेकिन ज़्यादा पोजेसिव मत हो जाना आप लोग, और अगर आप लोगों को बहुत सारे काम है तो मुझे लगता है आप थक के एक ही जगह पे बैठ जाओगे कि नहीं हो रहा हमसे इतना काम,
ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए यहाँ पे। ये मैं एंड करना चाहती थी और ये मैसेज तुरंत आ गया, तो मुझे ये मैसेज लेना पड़ा कि अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा काम हो सकता है आज के दिन पे, आप लोगों को, व्यूअर्स को, तो आप लोग जो है थक के एक जगह पे ही ना बैठ जाओ कहीं पे। तो ये ऐसा नहीं करना है गाइज, ओवर थिंकिंग और ये सब करके अपने को थकाना नहीं है। एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस फॉर यू, विक्ट्री है, सेलिब्रेशन है कहीं ना कहीं। अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आपके पर्सन के साथ, ये भी एक एक्स्ट्रा मैसेज निकल के आ रहा है, तो उन आपको भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस पर्सन, अगर आप लेना चाहे तो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन जो है आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा आज के दिन। आप लोग राइट चॉइस लोगे और जो है आप लोग राइट शिप पे चढ़ोगे और राइट अपॉर्चुनिटी लोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने आप को बैलेंस फील कराओगे। बहुत मैसेजेस निकल के आ रहे गाइस बिफोर आई वांट टू क्लोज, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा ऐसे। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम फियर्स, अगर उनको चिल्ड्रन है तो आप डर सकते हो इस बात से कि चिल्ड्रन है वो हमारे पास नहीं आएंगे, ये फियर्स आपके माइंड में रह सकते हैं, तो इस भी चीज़ से आपको अपने आप को फ्री करना है बेसिकली। मैं बता चुकी हूँ लेकिन ये फिर से आ रहा है और ये स्ट्रांगली आ रहा है। अगर आपको चाइल्डहुड इश्यूज़ है तो हील कीजिए अपने इनर चाइल्ड को और फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दीज इश्यूज़, ये हर्ट और ये पेन फ्रॉम चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो आज की। फिर मिलेंगे कल लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में शाम 6:30 बजे। कल संडे है, 16 अगस्त है और मैं आप लोग के लिए लाइव Q&A ज़रूर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।